फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शिवम चैर। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस आपको करना ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आगे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चैन। दोस्तों, आज टेस्ट की जो सीरीज़ है हमारी, उसमें एक परिवर्तन है कि इसको जो है लाइव स्ट्रीम में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आया था कि लाइव स्ट्रीम में वफरिंग होता है, ठीक है, और वो जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग, मैं वीडियो बना के डाल दिया करूँगा इसका, और वीडियो जो है एग्जैक्ट पर नाइट 9 PM आपको शो हो जाया करेगा, मतलब 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 8:50 से लेके 9 के बीच में कभी भी वीडियो जो है उसी टाइम पब्लिश होगा, और वीडियो जो है ज़्यादा देर का नहीं होगा, 4 से 5 मिनट में जो भी 15-20 क्वेश्चन होंगे वो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूं, ये डेली बेसिस पे है और मंडे से स्टार्ट हुआ करेगा। पूरा वीक जो है टेस्ट चलेगा डेली 9 PM को, ठीक है। तो 9 PM का ही आपको वेट करना है। और दूसरी बात ये कि अब इसके आंसर कैसे मिलेंगे आपको, तो इसके आंसर आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। और अब जो है मैं थोड़ा सा लेट इसको करूँगा, बिकॉज जो लोग कर रहे होंगे वो अपने जो है आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक टाइम होगा जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं पब्लिश कर दूंगा, आप अपना मैच कर सकते हैं कि नाइट में आपने क्या क्या किया था, उसका आंसर क्या है सही, ठीक है। तो वो अपना कल चेक कर सकते हैं। बाकी जो लोग आंसर करेंगे वो नीचे कमेंट में एक साथ 15 क्वेश्चन, एक एक करके नहीं, एक साथ 15 करेंगे, और उसको मैं जरूर चेक करूंगा कि इसमें किसने सही किया। बाद में मैं उसको पिन भी करूंगा, टॉप पे, सबसे टॉप पे मैसेज होगा कि किसका जो है आंसर सबसे ज़्यादा सही थे और जल्दी किसने आंसर दिया, ठीक है, उसी का लिया जाएगा 1, 2, 3। तो सबका मैं चेक करूंगा, एक साथ देना है आपको, एक एक करके नहीं देना, ठीक है। तो कमेंट लिखना है तो एक साथ लिखना है 15 क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करोगे। माइनस मार्किंग इसमें रहेगा 1/3, ठीक है। तो टॉप जो नंबर होंगे वो मैं आपको शो करूंगा, नेक्स्ट डे आपको मिलेगा, मतलब इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ ये रात को 9 बजे आपको पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद कल मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम में इसकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है आगे तक रन करेगा। एक बार मैं 1 मिनट के लिए बता दिया करूँगा बीच बीच में स्टार्टिंग से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का पेपर है, 13 तारीख है आज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित इनमें से नहीं है, डेसीबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति अश्व की जो अश्व जो शक्ति है उसकी इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, डाइन, अर्ग या जूल, ठीक है, ये बताना है आपको। कैंडेला का मात्रक जो है, कैंडेला का मात्रक है क्या, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। पांचवा क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है, विमीय सूत्र नहीं होते, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, और भार एवं बल, 6 हो गए। सातवां क्वेश्चन है, अदिश राशि इनमें से कौन सी है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, या उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एट्थ, निम्नलिखित में सदिश राशि, इसमें बताना आपको सदिश राशि कौन सी है, वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ऑप्शन ए वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल, ठीक है। आपको बताना है कि पदार्थ संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है वो प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, जो शून्य में वस्तु गिरती हैं, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या समान बल लगता है, ठीक है, ये बताना है। उसका जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण जो है वो कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। 12 क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय
तृतीय या गैलीलियो का गति विषयक नियम, ठीक है, ये बताना है आपको। रॉकेट के सिद्धांत पर, मतलब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, एवोगैड्रो परिकल्पना पर, या संवेग संरक्षण पर। 14वें क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या बन जाता है? जड़त्व का आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में जो है गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल होता है, ठीक है, बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का, बल किस, इनमें से किसका गुणनफल बल होता है? ठीक है, ये बताना है। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारे 16 क्वेश्चन है, इसके आंसर कल मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है इसके आंसर की जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर जो लोग करें, अटेम्प्ट करें, वो लोग कमेंट में अपने एक साथ आंसर दें, और डेली हम लोग मिलेंगे। अब हम लोग कल जो है मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू।